कुछ भी सक्सेस हमको चाहिए तो फॉर गेटिंग एनी सक्सेस, कुछ भी सक्सेस हमको चाहिए तो चार स्तंभ जो है वो बहुत महत्व के है, चार स्तंभ, फोर पिलर्स ऑफ विनिंग इन एनी टाइम, अनसर्टन टाइम या कुछ भी टाइम होगा, तो फोर पिलर्स जो है, चार स्तंभ जो है वो महत्व के है। और उसमें का पहला पिलर जो है वो है वचन का पालन करो, अपने शब्द का पालन करो, ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर जो है वो है रिश्तों में एकदम पावरफुल बनो या रिश्ते पावरफुल बनाओ, रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होनी चाहिए, रिश्ते अपने बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो पहला था वचन का पालन करो, मतलब जो बोलते हैं वो करो, प्रामाणिकता से करो, ट्रूथफुली करो, ऑनेस्टली करो। दूसरा था अपना रिश्ते मजबूत करो, बहुत जबरदस्त रिश्ते, जो रिश्ते है वो रिश्ते मजबूत करो और नए नए रिश्ते बनाते जाओ, ये नंबर दो। नंबर तीन जो था वो हमारा स्तंभ जो हमने बताया था, नंबर तीन का स्तंभ, नंबर तीन का पिलर, वो पिलर ये था या ये है कि अपनी एग्जिस्टेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाओ। इसका मतलब क्या है कि अपना स्ट्रक्चर जो है, अपना शब्द जो है, जो शब्द हम देते हैं या जो भी प्लान करते हैं, वो प्लान यदि हमको एग्जीक्यूट करना है, वो यदि प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, वो यदि लाइफ में लाना है, तो उसके लिए अपने पास में स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल होना जरूरी है। मतलब आपका कैलेंडर है आपके पास में, आपके पास में डायरी है, आपके पास में चार्ट्स है, आपके पास में कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, कि वो यदि आपके पास में है तो आप जो शब्द देते हैं या जो प्लान करते हैं या जो संभावना की खोज करते हैं, वो संभावना आप बराबर प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं। मतलब मैं किसी को शब्द देता हूं तो उसका अस्तित्व मैं कहीं रखता हूं, कैलेंडर में रखता हूं, ताकि कैलेंडर मुझे याद दिलाएगा कि मुझे ये शब्द का पालन करना है, मैंने इसको ये शब्द दिया था। तो उसको बोलते हैं हम अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ये तीसरा स्तंभ। और चौथा है मान लो या मना लो, मान लो या मना लो, या लोगों को मना लो, हम जो बोलते हैं हमारी संभावना जो है वो संभावना में लोगों को मना लो, जो भी संभावना है तो लोगों को इस तरह से बात करो कि वो संभावना जो है, जो संभावना मैं उसको बोल रहा हूं, वो संभावना उसको छू जाएंगी, उसको दिल को छुएंगी वो संभावना, अरे यार ये तो बहुत मस्त बोल रहा है यार, मुझे भी उसमें बहुत मजा आ रहा है और मैं भी ये करूंगा, ऐसी संभावना आपने उसको प्रेजेंट करनी चाहिए, उसको वो दिल को छूनी चाहिए, इमोशनली मतलब वो एक्साइट होना चाहिए, उसको दिल को छू जाना चाहिए वो संभावना, वो उसको प्रभावित करना चाहिए, है ना, इम्पैक्ट करना चाहिए उसने उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर, वो संभावना उसको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए वो संभावना। तो ऐसी संभावनाओं का आविष्कार करके लोगों को वो संभावना में एनरोल करो, कन्विंस करो, उनको जो भी मतलब मना लो, मान लो, जो भी करना है वो करो। और ये चार स्तंभ यदि आपके रहते हैं तो ये चार स्तंभ आपके आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे, आप जो भी संभावना खोज करेंगे वो संभावना की ओर लेके जाएंगे, ये चार स्तंभ बहुत महत्व के हैं। तो हमने आपको ये दिया था होमवर्क कि भाई आपके लाइफ में जहां भी काम नहीं हो रहा है, जहां भी काम नहीं हो रहा है, वहां देखो कि इसमें का कौन सा स्तंभ जो है वो जो स्तंभ है वो बहुत ही वीक है, आपको मजबूत करना पड़ेगा, है ना, वो स्तंभ अपने को मजबूत करना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि अपनी लाइफ के ऐसे एरिया लो जहां पर आप कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, अकम्प्लिशमेंट नहीं है, मतलब आप प्रभावी नहीं है, आपको शक्य साध्य होता है ऐसा लगता नहीं है, आपका आत्मअभिव्यक्ति नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं है फुल्ली, आपको मन की शांति नहीं है, तो ऐसे एरिया आपके लाइफ में होंगे कि जहां प्रभावित नहीं है, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, शक्य साध्य नहीं ऐसा लग रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो वहां आपने क्या करना है, वहां आपने देखना है कि ये जो चार स्तंभ है वो चार स्तंभ में से कौन सा स्तंभ जो है वो अपना वीक है, कौन सा स्तंभ जो है वो मजबूत नहीं है, कि वो स्तंभ यदि आप मजबूत करते हैं तो झिंगा लाला लाइफ, झिंगा लाला हो जाएगी।